भी खड़ा है, लड़ाई का वक्त शुरू हो चुका है। सीधा जाना ही बेहतर होगा। अगर तेरा सेटलमेंट करने का मूड है तो मैं पुलिस स्टेशन में कागजात के साथ तेरा वेट कर रहा हूँ। चुपचाप कागजात पे साइन कर दे और तेरी कंपनी मेरे हवाले कर दे, तब तेरे दोनों बापों को जिंदा रखना नहीं रखना ये हम सोच लेंगे। We'll be right back.
क्या कह रहा है?
यूनिवर्सिटी में भेजकर तुमसे मास्टर्स करवाया। जब मेरी तबीयत खराब हुई तो हमने सोचा तुम्हें बुलाकर सीईओ बना दें। इतने में जेपी की प्रॉब्लम पैदा हो गई और ऐसे वक्त पर तुम्हें सीईओ बनाना खतरे से खाली नहीं था, इसलिए तुम्हारी जान बचाने के लिए ये सीईओ बनकर आगे आया। क्यों पता है? ताकि साइन करते वक्त तुम्हें इस कंपनी में कोई प्रॉब्लम्स नहीं दिखनी चाहिए। सिंहासन पर बैठने का मौका होते हुए भी सिपाही की तरह सबसे पहले डटकर खड़ा था। ऐसा इंसान कहां मिलता है? कहते हैं कि मरने से एक पल पहले जिंदगी में क्या हासिल किया याद आता है। मेरी 10,000 करोड़ की प्रॉपर्टी, हजारों लोगों को दी हुई नौकरियां, मेरी पीएचडी, मेरा पद्मश्री, सब कुछ फीका है इसके सामने। माता पिता बच्चों को जन्म देते हैं, लेकिन भगवान उन्हें माता पिता होने का सुनहरा अवसर देते। मेरा बेटा बनने के लिए, पापा कहने के लिए, थैंक यू बेटा। आई लिव सक्सेसफुली, नाउ आई विल डाई सक्सेसफुली। सॉरी भैया। भाई सॉरी नहीं कहते, गले लगते हैं। एक किलो मेथी कितने की थी? मेथी किलो में नहीं, कुछ मिले नहीं पड़ा। कैम चा मम्मी, पुदीना अदरक की शॉपिंग चल रही है। लो 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 पापा, जॉब मिल गई। शाबाश बछड़ा। अब फ्रेश होकर आता हूँ। अनारा, सुब्रमण्यम जी का बड़ा बेटा इंजीनियर बन गया है, वो जॉब मांग रहा है। ओके, बुला लीजिए, वैकेंसी है। अरे वाह। हेलो, चाय लाई हो? मीठी है ना, तुम्हारी तरह। इतनी बड़ी कंपनी के सीईओ थे तो फिर स्वामी को जॉब मिलने में इतना टाइम क्यों लग गया? उस किसको फुर्सत थी, महीने के सिर्फ 15 दिन जा सकता था, बाकी तुम्हारे लिए। सर जी, आपके बेटी को अच्छा परिवार मिला है। कल अगर उसकी शादी हो जाएगी, उसके बाद आपका क्या होगा सर? क्या होने वाला है? प्रणवी की शादी के बाद तेरी मालकिन और मैं दोनों अकेले रहने वाले घर पर। उसके हाथों तो मरना ही, और तू मेरी बेइज्जती ना करे इसलिए तेरे को भी मारना है। बस यही काम बचे। मुझे मारने का प्लान है क्या? आपको क्या एक ही क्यों कहता है क्या? एक बार मेरे को गुस्सा आ गया ना तो मैं रुकता नहीं। खराब होंगे। तूने मेरे को येड़ा समझ के रखा है क्या? ऐसा शक तो मुझे पहले से है। एक बार टेस्ट करवा ले क्या? अरे मेरे टुकड़े टुकड़े करके तुझे पैस लेकर आइए, ये टुकड़े टुकड़े कर देंगे, ऐसे बोल रहे हैं। और ससुर जी, इसे महीने का कितना देते हो? 25,000। महापुरुष हो जो पैसे देकर गाली खा।